हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ शामी कबाब बिना कीमे से, बिना मटन के। मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी लजीज कबाब। इसके लिए हमें चाहिए चने की दाल, आलू, अदरक, लहसुन और बड़ी इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और रेड चिल्ली। इन सारी चीज़ों को एक प्रेशर कुकर में डाल देना है। साथ में यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। और सभी चीज़ों को कुकर में रख देने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि पानी इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा रखने से ये गीली रह जाएगी। पानी हमें सिर्फ इतना ही ऐड करना होगा कि ये बराबर बराबर इसमें एडजस्ट हो जाए। इसको करीब दो सीटी पका लेना है। दो सीटी पकाने के बाद हम इसकी सारी भाप को निकाल देते हैं। और अब आप देख पा रहे होंगे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है। और आलू को अलग कर लेते हैं ताकि ये जल्दी जल्दी ठंडा हो जाए। दाल और मसालों को एक अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आलू को मैश कर लेना है। और साथ में सारे आलू को मैश करने के बाद बाकी बचे हुए दाल और मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसको अच्छे से बारीक पीसना है। इतना बारीक पीसना, अगर आपको ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी भी आप डाल सकते हो, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दो हरी मिर्च, और इसको साथ में पीस लेना है। ध्यान रहे आप इसे पूरा ठंडा नहीं करिएगा, आप इसे इतना गर्म में बना लीजिए जितना आपका हाथ सह सकता हो। तो इन दोनों आलू और दाल को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और आप चाहो तो इसमें हरी धनिया भी ऐड कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि अभी है नहीं तो मैं वैसे ही बना रही हूँ। अभी मेरी कबाब भी बनकर तैयार है और इसको अभी कर लेते हैं फ्राई। फ्राई करने के लिए आप तवे पर थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दीजिए और इस सारी कबाबों को इस तरीके से फैला कर रख दीजिए। ध्यान रहे आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं तो ये ज़्यादा अच्छी पकती है। और कबाब को फ्राई करने से पहले एक बात का ध्यान और रखना है कि कबाब अच्छे से पूरी तरह से ठंडी हो चुकी हो। अगर आप इसे गरम में बनाओगे तो ये पूरी तवे पर चपक जाएगी, तो इससे आपको पकाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आप ठंडे करके बनाओगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगी। और अभी ये दोनों साइडों से मेरी पक चुकी है, मैंने अच्छे से इसको सेक लिया है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है नॉन वेजिटेरियन के लिए। जो लोग मटन, कीमा वगैरह नहीं खाते वो लोग भी इसे आराम से खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।